Hello everyone, let's start with chapter number 3, that is metals and non-metals. This is part 3 for back exercise questions. So I will put a link below in the description box so you can check out all other questions in it. So question number 10 says, state two ways to prevent the rusting of iron. Ab rusting of iron ko kaise bachaya jaye? With the help of greasing, ya to aap greasing kar do, ya to aap paint kar do, ya to aap oiling kar do. और सेकेंड प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन का. गैल्वेनाइजेशन में प्रोसेस में क्या होता है, आयरन और जिंक की कोटिंग होती है. तो ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो कम होता जाता है. सो दीज आर द टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन. जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. और जब भी मेटल्स और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. दे आर बेसिक इन नेचर. सो याद रखना, नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. अब ये जो तीनों मेटल्स हैं ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में लीस्ट रिएक्टिव है. अब लीस्ट रिएक्टिव से मतलब क्या समझ आता है, कि किसी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो मॉइस्चर हो, चाहे वो एयर हो, उनकी जो शाइन है वो मेंटेन रहती है. तो इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो हमारे ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं. कौन से, प्लैटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर. नेक्स्ट है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. इनको इसलिए ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. अगर जैसे ही ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएंगे वैसे ही आग पकड़ लेंगे. तो इस वजह से इनको किसमें स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल, बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिवनेस. थर्ड इज, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बट फिर भी इसको यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है. तो होता क्या है, जब हम पहली बार एल्यूमिनियम को यूज करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है. तभी कहते हैं कि अगर न्यू बर्तन आप यूज कर रहे हो, न्यू यूटेंसिल आप यूज कर रहे हो अपने घर में एल्यूमिनियम बेस्ड, तो आपने क्या करना है, पहले उसको खाली जलाना है. खाली जलाने से क्या होगा, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम जैसे ही बर्न होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई. तो अब जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड चढ़ गई है उसके ऊपर, उसकी लेयर आ गई है, तो वो करोजन होने से बचाएगी और खाने के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी. और हमें पता है कि वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए भी यूटेंसिल्स के अंदर यूज करा जाता है. डी पार्ट इज, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. क्योंकि इट इज वेरी इजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड देन द कार्बोनेट एंड सल्फाइड टू द मेटल्स. क्योंकि ये बहुत आसान है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें पहले और फिर उसके बाद उसको रिड्यूस करें, एज कम्पेयर टू कार्बोनेट्स एंड सल्फाइडोस वो बहुत मुश्किल होता है. तो इसीलिए कार्बोनेट एंड सल्फाइडोस को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके देन इनटू प्योर मेटल कन्वर्ट किया जाता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 सेज, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन. लेमन से क्लीन किया जाता है या टैमरिंड जूस से क्लीन किया जाता है कॉपर वेसल्स को. एक्सप्लेन व्हाई दीज सॉर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स. मतलब ऐसा क्या होता है लेमन और टैमरिंड जूस में कि कॉपर वेसल्स को साफ किया जाता है इन सबसे. तो कॉपर जो है हमारा बहुत रिएक्टिव तो नहीं होता, बहुत कम रिएक्ट होता है. तो एयर के साथ जैसे ही एयर में रखते हैं हम किसी भी कॉपर कंपाउंड को, कॉपर यूटेंसिल्स को, तो एयर से रिएक्ट होता रहता है. और एयर से, कौन से एयर से रिएक्ट होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता रहता है. और जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होना शुरू होता है इट फॉर्म्स अ ग्रीन लेयर. अब ग्रीन लेयर से क्या समझ आता है कि वो कॉपर कार्बोनेट बना चुका है. क्योंकि कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो वो कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना चुका है इसका मतलब. तो इसी वजह से जो हमारा लेमन होता है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड से अगर साफ करोगे तो वो कॉपर साइट्रेट बन जाएगा या कॉपर टार्ट्रेट बन जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल है पानी के साथ.
तो इसलिए इन दोनों को उतारना बहुत इजी है एज कंपेयर टू कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट आपका नहीं उतरेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एसिड नहीं डालोगे। तो जैसे ही आप उसके ऊपर लेमन से या टैमरिंड जूस से जूस डालोगे, वैसे ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर साइट्रेट और कॉपर टार्ट्रेट। सो इसलिए इनको यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग द प्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 14 सेज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेते हैं, और नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होता फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट इज मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। थर्ड इज मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। सो दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग नोटिस्ड इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लास्ट इज मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स, आयनिक क्लोराइड मीन्स दैट इट फॉर्म्स Cl माइनस और समथिंग लाइक दैट। तो कोई भी टाइप ऑफ आयन बन जाता है फ्रॉम क्लोरीन। नाउ नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स विद क्लोरीन। सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ द ओल्ड एंड डल ऑर्नामेंट्स। अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब उसने एक सोल्यूशन में डाला, उसने बोला कि मैं इसकी चमक वापस ले आऊंगा, तो बैंगल्स पाकर लाइक न्यू बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। अब ऐसा क्या यूज किया होगा उसने जो उसकी चमक तो वापस आ गई लेकिन उसका वेट इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया बैंगल्स का। तो लेडी वॉज सब अपसेट बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हास्टी रिट्रीट। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। अब इस चैप्टर में एक जगह एक्वा रिजिया की बात की गई है। तो एक्वा रिजिया कैसे बनता है, थ्री पार्ट्स ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड वन पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। इन दोनों चीजों को मिला के एक्वा रिजिया बनाया जाता है, और ऐसा सोल्यूशन है ये जो गोल्ड को भी मेल्ट कर सकता है। तो उसने यही मटेरियल यूज करके गोल्ड को मेल्ट करवा लिया और उसकी डर्ट हट गई। सो दिस वॉज द रीजन बिहाइंड द वेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। यहाँ पे एक प्योर मेटल की बात हो रही है, दैट इज कॉपर, और दूसरा है हमारा एलॉय दैट इज स्टील। वो कह रहे हैं कि जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं वो हमारे कॉपर के क्यों बने होते हैं, स्टील के क्यों नहीं बनाते ये लोग। तो स्टील जो है वो हमारा एलॉय है, जो कॉपर है हमारा वो प्योर मेटल है। तो दो अलग अलग चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस वजह से जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, यहाँ पे कंडक्टिविटी रोल प्ले करती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मेटल की, वो डिक्रीज हो जाती है जब वो अलॉय में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो हमारा स्टील है उसकी कंडक्टिविटी कैसी है, कम है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर अच्छी कंडक्टिविटी शो करता है, इसी वजह से उसको हॉट वाटर टैंक्स में यूज किया जाता है। तो दिस वॉज द रीजन बिहाइंड कॉपर बींग यूज एज अ हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील। सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 एंड दैट्स द एंड फॉर मेटल एंड नॉन मेटल्स क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।